हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला हिसार की ओर से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेतागणों ने प्रदर्शन में कांग्रेस भवन से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया, जिसमें रेहड़े खच्चर गाड़ी में खाली गैस सिलेंडर बिना पेट्रोल का स्कूटर रखकर सड़क कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बार बार रसोई गैस के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी करके जनता का जीना दूभर कर दिया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनता को लूटने और धोखा देने का सबसे बड़ा सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 8 सालों में कच्चे तेल की कीमतें यूपीए सरकार के शासन की तुलना में बहुत कम रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें यूपीए सरकार की दरों से बहुत अधिक कर दी गई हैं। हिसार से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज देश और प्रदेश के अंदर बेतहाशा महंगाई के विरोध के अंदर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती भारी कीमतों के विरोध में और रसोई गैस के बढ़ती कीमतों के विरोध के अंदर और किराना का सामान, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं के सामान, यहाँ पर सब्जी फल के अंदर भारी जो वृद्धि इस राज्य के अंदर हुई है, इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर रेल गाड़ी के साथ लेकर गैस का सिलेंडर रखकर, चूल्हा रखकर, मोटरसाइकिल स्कूटर रखकर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से और जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया और वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ने जो बेहताशा पेट्रोल व डीजल के रेटों में कीमतों में बढ़ोतरी की है, गैस सिलेंडर की रेटों में बढ़ोतरी की है, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं के अंदर बढ़ोतरी की है, उन बढ़ोतरी को वापस किया जाए, आम जनता को राहत दी जाए। आज पूरी देश की जनता इस भाजपा सरकार से दुखी है। जब से ये सरकार आई है 7.5 साल के अंदर हर चीज़ के अंदर बेहताशा बढ़ोतरी करके, रेटों में बढ़ोतरी करके आम जनता की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, जिसके कारण आज सरकार के खिलाफ आम जनता पूरी तरह से नाराज और खफा है। इसलिए पूरे देश की जनता की तरफ से आज पूरे कांग्रेस मुख्यालय पर, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर सरकार के विरोध कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किया गया और मेरी पूरे सरकार से मांग है वह बढ़ी हुई महंगाई को तुरंत वापिस ले और जनता को राहत देने का काम करे। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला जो हमारे अधिकारी उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है ताकि जल्दी जल्दी महंगाई पर अंकुश लग सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।